नोटबंदी के विरोध में आज विपक्षी दलों ने भारत बंद का आह्वान किया है। समाजवादी पार्टी भी विपक्ष के इस भारत बंद में शामिल है। इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर लेकर के मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नोटबंदी का विरोध किया है। सपा कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार का पुतला भी फूंका। तो नोटबंदी के विरोध में एकजुट नजर आ रहा विपक्ष भी अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 28 नवंबर को नोटबंदी के विरोध में आक्रोश दिवस के आह्वान से भी कुछ पार्टियों ने खुद को अलग कर लिया है। ममता बनर्जी ने तो बकायदा ट्वीट करके कहा है कि विपक्ष के बैठक में आक्रोश दिवस पर कोई बातचीत नहीं हुई थी, इसलिए उनकी पार्टी इस बंद में शामिल नहीं होगी। पीएम मोदी के धुर विरोधी माने जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नोटबंदी के कदम का समर्थन किया और समर्थन करते हुए कहा कि नोटबंदी का ये जो कदम है कोई साधारण कदम नहीं है, बहुत साहसिक कदम है, और लेकिन इसे लागू करने के लिए तैयारी की गई वो फिलहाल बहुत कम थी और इसकी वजह से कठिनाई भी हो रही है। नीतीश के समर्थन के बाद जेडीयू ने भी आक्रोश दिवस से खुद को अलग कर लिया है। इससे पहले ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को नोटबंदी को लेकर के चेतावनी दी थी कि अगर 3 दिनों के अंदर नोटबंदी का फैसला वापस नहीं लिया गया तो 28 नवंबर से विरोध में आंदोलन शुरू किया जाएगा। हालांकि उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया था कि ये आंदोलन किस तरह का होगा।